कल का दिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा दिन रहने वाला है, पता ही क्यों? आपको बता दूं भाई, आप लोगों ने पूरे इंडिया ने वर्ल्ड कप तो जीत लिया, लेकिन अब इसकी बारी है। अब आप लोग सोचोगे आखिरकार किस चीज की बात कर रही हूँ, तो बता दूं आज मौके पर अग्रसेन भवन पहुंची हूँ। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं मुझे जो इतने बड़े बड़े कामों को लगातार करते आते हैं। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम इन्होंने इस तरीके के किए हुए हैं और आज भी कुछ ऐसा शुरू होने वाला है। ये बातचीत कर लेंगे सर। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे? पहले मुझे ये बताइए, ये जो मैंने सुना कि भाई वर्ल्ड कप तो जीत लिया, अब इसकी बारी है, होने क्या वाला है, पहले ये बताइए मुझे। हर साल की तरह एक कदम जिंदगी की ओर जो हमारा एनजीओ है, पिछले 13 साल से हम लगातार कैंप्स लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते आए हैं। हिसार में अलग अलग जगहों पे लगा रहे हैं। पिछले 3 साल से हम अग्रसेन भवन में लगाते हैं कैंप, यहाँ पे महाराजा अग्रसेन भवन हिसार में, और बहुत ही डिफरेंट किस्म का ब्लड कैंप होता है। तो डोनेशन तो आपने हर जगह देखी होंगी। आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस कैंप में आप अगर ब्लड डोनेट नहीं भी कर पा रहे तब भी आके जरूर देखिए, जरूर इस कैंप की खास बात क्या है। अच्छा, ऐसा खास होने क्या वाला है वैसे? ब्लड डोनेशन मैम रूटीन में आपने हर जगह देखी होगी, बिल्कुल देखी है। यहाँ पर उसके अलावा खास क्या होगा, यहाँ पर हम इसको फेस्टिवल की तरह बनाते हैं, हम इसका नाम उत्सव देते हैं, रक्तदान उत्सव। ठीक है। उत्सव इसलिए कि हिसार की बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेस प्रतिष्ठान सब जुड़ जाते हैं साथ में, सिर्फ इसलिए कि हिसार के इस ब्लड डोनेशन को हम लोग फेस्टिवल की तरह मनाएं। मतलब इसको ऐसा ना लगे कि ब्लड डोनेशन एक मजबूरी है, मजबूरी नहीं है ये, क्योंकि खुदा ना करे कल को जरूरत मुझे पड़ सकती है, आपको पड़ सकती है, बिल्कुल, बिल्कुल। तब हम भागते फिरते हैं कि हमें कोई ब्लड डोनर चाहिए। जी, जी, तो हमारे पास इतने अच्छे शहर के लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे डोनर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए कि वो भाग के चले आते हैं, हमारे कैंप की वेट करते रहते हैं वो लोग कि इस साल का ब्लड डोनेशन कैंप कब लगने वाला है, कदम का कैंप कब लगेगा। हमारे कैंप में खासियत क्या क्या है वैसे तो मैं कल दिखा पाऊंगा आपको, लेकिन बता देता हूँ आपके माध्यम से ताकि दर्शकों को पता लगे। हमारे कैंप में काफ़ी हमने इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, काफ़ी डिजिटाइज करके रखते हैं, पहले ही प्री रजिस्ट्रेशन होती है हमारी, हमारी ऐप एक वेब लिंक दे रखा है ना कि हमने ऐप के थ्रू एक, तो हमारे वेब लिंक पर जाके फटाफट प्री रजिस्टर कर सकते हैं सारा। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा यूज़ करते हैं हम लोग इसके अंदर हमेशा से। तो यहाँ पे जैसे ही डोनर आता है तो प्री रजिस्टर करके आ रहा है तो उसको हाथों एक प्रिंट आउट मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे आके प्री रजिस्टर कर सकता है वो, हाथों रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद उसको नेक्स्ट काउंटर भेजते हैं। तो फ्लो ऑफ इवेंट बड़ा ही सिस्टमेटिक होता है, उसको पता है कि नेक्स्ट काउंटर कहाँ जाना है, नेक्स्ट का थर्ड काउंटर कहाँ जाना है। मीन्स यहाँ पर सारी फैसिलिटीज ऐसी रहती है, किसी को दिक्कत ही नहीं है, मतलब शुरू से लेकर एंडिंग तक क्या कुछ प्रोसेस है वो एक एक व्यक्ति वहाँ पर बैठा होता है। और जैसे ही रजिस्टर करते हैं एक वीडियो लिंक पहुँच जाता है उसके पास, एक वीडियो के माध्यम से पता लगता है कि हमें यहाँ करना क्या क्या है, किस तरह से जाना है। क्योंकि 600 यूनिट, 500, 600, 700 यूनिट्स का अगर कैंप लगाते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो उसको मैनेज करना टफ तो रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हमारी टीम बहुत दिनों से सक्रिय रहती है, पीछे बहुत दिनों की मेहनत है, इसके पीछे जो टीम काम कर रही है तो उसको हम लेके सिरा चढ़ाने पहुँच गए हैं। तो ये साथी आपको पीछे दिख रहे होंगे, आपके वीडियो के माध्यम से दिखा पाएंगे। मैं बिल्कुल अभी जो है ना तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से है, और इस जोरों शोरों पर तैयारी कल सुबह 9 बजे जब आप लोग पहुंचेंगे तो वो आपको यहाँ पर उत्सव नजर आने वाला है। चलिए मनमोहन जी, मुझे एक बात बताइए, काफी लोग ऐसे भी जो है ब्लड डोनेशन सुनते ही कांप उठते हैं, कहते हैं भाई खून दान करना पड़ जाएगा, हमारे शरीर का खून कम हो जाएगा, लेकिन क्या इसका भी कोई अलग तरीका है, उनको समझाने का भी ऐसा कुछ नहीं होता? ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है मैम। अवेयरनेस जो है, जैसे मनीष जी ने बताया हमारा ब्लड डोनेशन कैंप अलग क्यों है, सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अवेयरनेस क्यों नहीं है कि ब्लड मिलता कैसे, लोगों को लगता है कि पैसे दे के ब्लड मिल जाता है, बट आप ये समझिए इमरजेंसी के टाइम और ब्लड की जो रिप्लेसमेंट है वो हर ब्लड बैंक मांगता है। हमारा भी यही काम है कि एक कदम 2012 से यही काम कर रही है, ब्लड ऑन डिमांड पर काम करती है कि कभी भी इमरजेंसी में ब्लड चाहिए होता है तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, जो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने के बाद हमारे जो डेटाबेस है, हमने पूरा डेटाबेस बनाते हैं, हम उस डेटाबेस पे हमारी टीम कॉल करती है, मैसेज जाता है कि पर्टिकुलर इस हॉस्पिटल में या यहाँ पर एक ब्लड की डिमांड की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पर जाकर आप उसको डोनेट करें। तो आप ये देखिए कि एक बहुत ही कम सेकंड के अंदर मैसेज सर्कुलेट हो जाता है जी। अब आप ये देखिए कि उस मैसेज सर्कुलेशन में है कौन, हम लोग ही हैं, आप लोग हैं, पूरा संसार है। तो अगर हिसार के लोग इस चीज़ से जुड़ते हैं सबसे पहली बात, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आहुति देते हो किसी की जिंदगी बचाने में। और आप ये देखिए कि अगर जब जिंदगी किसी की बचती है तो बहुत अच्छा लगता है। कई बार जैसे अब कल आप देखिएगा बहुत सारी यूनिट्स यहाँ पर हम कलेक्ट करेंगे, बहुत लोग डोनेट करने आएंगे, आपको ये नहीं पता लगेगा कि वो यूनिट आपकी पता नहीं किसकी जान बचा रही है और क्या हेल्प हो रही है। तो अवेयरनेस जो है ब्लड डोनेशन कैंप का वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग डिमांड पे काम करते हैं। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, कई बार ऐसा कहा जाता है कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, तो आप इसको किस तरीके से देते, क्या सच में ऐसा होता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं? मैम इससे बड़ा क्या दान होगा कि एक आदमी अगर मान लो एक लास्ट स्टेज पर है और वहां पर उसको डोनेट ब्लड की यूनिट चाहिए और उस ब्लड यूनिट ना मिलने की वजह से अगर वो मृत्यु की तरफ चला जाए, और अगर उसी तरफ अगर यूनिट बन जाए, मिल जाए और वो मृत्यु के बच जाए, मृत्यु से ना वो, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा क्या दान होगा। आप कोई भी दान करें, बहुत ज्यादा दान करते हैं लोग,
बट एक जो ये दान है, मुझे लगता है इस दान के अंदर आपका कुछ भी नहीं जाता। इस दान के अंदर तो आप करने के बाद इतना खुश होते हो कि आप समझ ही नहीं सकते कि क्या है, क्योंकि ना तो ये पैसों का दान है, ना ये कोई आपने कोई परिश्रम करके किसी का दान करना। यहाँ क्या है, आपने जब ब्लड डोनेट किया तो वो ब्लड कहीं ना कहीं किसी के काम आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ देखिए कि ये इतना बड़ा रक्तदान है, जब भी इतनी सारी एनजीओज एक साथ आकर काम करती है, इतनी ज़्यादा एनजीओज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारा प्यार हिसार, गेट हिसार, ग्रीन हिसार, फिट हिसार, साइकिलिंग क्लब, तो ये सारी जो एनजीओज हैं, इतने सपोर्टर्स हैं हिसार के, जितने भी लोग हैं वो क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये चीज़ अगर जितनी ज़्यादा फैलेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, अच्छा काम होगा। चलिए मुझे फिलहाल सर आप बताइए कि ये जो प्रोग्राम है सुबह कितने बजे शुरू हो जाएगा और यहाँ पर कौन कौन आ सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल है, पहले मुझे इस बात का बताइए भी होने क्या वाला है, कितने बजे शुरू हो जाएगा? ये मैम हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है, इसमें 18 साल से ऊपर का कोई भी आ सकता है और 60 साल से कम उम्र का, और ये सुबह 8 बजे हम शुरू कर रहे हैं कैंप को और 4 बजे तक इसको हम खत्म करेंगे। हमारा टारगेट है जो उसको हम कोशिश है कि 4 बजे तक पूरा अचीव कर लें। लोकेशन क्या रहने वाली है? लोकेशन महाराजा अग्रसेन भवन, पुराने गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के सामने में, यही पर रहने वाली है। यानी कि अग्रसेन भवन में आप लोगों ने सब कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज दी है, ये आप देख पा रहे हो, ये सारा जो है पूरा प्लान हो रहा है, ये पूरा फ्लो चार्ट है, पूरा रात को है, लोग आएंगे, प्री रजिस्ट्रेशन है, हम आपको QR कोड आप डाल सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा, प्री रजिस्ट्रेशन होगा, लोग आएंगे, लोग आने के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद डेस्क पे जाएंगे, अपना नंबर टोकन नंबर लेंगे, अपना ब्लड टेस्ट, पहले हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा डोनेट हो जाएगा, ठीक है, और उससे बाद चेक करने के बाद उसके बाद हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है नंबर, फिर उसके बाद उसको डिजायर टोकन मिलता है, फिर वो डिजायर ब्लड बैंक के पास जाता है। ब्लड तो दे दिया हमने, मान लिया ब्लड डोनेट हो गया, उसके बाद रिफ्रेशमेंट भी कुछ रखी है? प्रॉपर रिफ्रेशमेंट है, मनीष जी बताएंगे उसके बारे में, प्रॉपर रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोगों ने काफी ज्यादा स्ट्रेस किया और हमारे ग्रुप की एक सोच निकल के आई थी कि रिफ्रेशमेंट के नाम पे ना बहुत सारे ब्लड बैंक्स या जो ग्रुप्स थे वो एक नाम मात्र का एक जूस का या केला पकड़ा दिया और छुट्टी कर दी, बट हम लोगों ने इसका एकदम से ना स्वरूप ही बदल डाला था। कारण क्या था उसके पीछे कि हम लोग खुद जब डोनेट करने जाते हैं कभी कभी लगता है कि खुद की एनर्जी बड़ी डाउन हो जाती है ब्लड डोनेट करके, जो कि पूरी तो होना नहीं, 3 घंटे में ही है अपनी एनर्जी वापस आ जाएगी, बट अगर माध्यम अच्छा होगा तो हम लोग जूस, चॉकलेट्स, इमीडिएट अच्छा बिस्किट, उसमें इतनी चीज़ें दे देते हैं, केले भी रखे होते हैं, रेस्ट का पूरा एरिया होता है हमारे यहाँ पे, तो रिफ्रेशमेंट इटसेल्फ हमारी बहुत अच्छी, और एक साथ में स्पेशल एक ड्राई फ्रूट का पाउच देते हैं हम लोग जो इमीडिएट एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स भी है। तो आपको जितने भी डोनर्स आते हैं हर एक डोनर को रिफ्रेशमेंट किट मिलती है और इतना सारा सामान है कि पूरा कंज्यूम भी नहीं कर पाएंगे, शायद बहुत मेंबर्स तो बचा के ले जाते हैं साथ में, वो घर वालों के ले जाते होंगे, भाई घर पर जाके कोई खा लेगा। अच्छा मुझे क्या बताइए, इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइव देख रहे हैं, क्या मैसेज आज आप देना चाहते हैं आम जनता तक के बीच में पहुंचाना चाहते हैं ब्लड डोनेशन को लेकर और कल होने वाले उत्सव को लेकर? इस उत्सव की खास बात और है जो मैं चाहूंगा कि आपके कैमरामैन प्लीज इस पर फोकस भी करें। ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा जो एक लाइन लिखी हुई हमने यहाँ पे, ब्लड स्टेम सेल डोनेशन ड्राइव है यहाँ पे, तो ये क्या है मैं इसके बारे में बताता हूँ, ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको बहुत ध्यान से सुने भी सभी दर्शक। स्टेम सेल डोनेशन बेसिकली किसी भी थैलेसीमिक पेशेंट को जान का होता है, हमेशा दिक्कत आती है उन लोगों को, 21 दिन 25 दिन या 30 दिन में उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है अपना, तो थैलेसीमिक पेशेंट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी लाइफ में ट्रीटमेंट नहीं है, सारी ज़िंदगी उन लोगों को ब्लड के भरोसे ही रहना पड़ता है, तो लाइफ बहुत टफ होती है उन लोगों की। तो स्टेम सेल थेरेपी एकमात्र तरीका है जिससे उनका थैलेसीमिया ठीक हो सकता है जी। तो स्टेम सेल थेरेपी भी हम लोगों ने पिछले एक साल से काम किया, पिछले साल भी आपने सेम यही चीज़ जो है रखी थी और सबसे अलग जो है यही था, बहुत कमाल का चीज़ हुआ जी। हमने 125 सैंपल इकट्ठे किए थे लास्ट ईयर और उसमें 125 में से हमारा एक सैंपल मैच कर गया। अमित झा हमारे हिसार के हमारे डोनर रहे हैं, हिसार में ही फोरमैन के जॉब करते हैं फैक्ट्री के अंदर, और उनका जब सैंपल मैच किया तो एक 19 साल के बच्चे के लिए वो सैंपल उनका सिलेक्ट हुआ, वो फरीदाबाद के डोनेशंस करी, और मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा रिलीफ मिल रही है, हमारे पूरे ग्रुप में अलग ही उत्साह है उस बात का कि हमारे माध्यम से एक 19 साल के बच्चे को नई ज़िंदगी मिल जाएगी। क्या बात है। मैं आपको बताऊँ तो बड़े शब्दों में बोलूँ, अगर धरती पे जन्म देने का अधिकार एक माँ को दिया गया है, उसके बाद किसी को अधिकार है स्टेम सेल डोनर है, वो जो माँ के बाद एक किसी को जन्म दे सकता है, जीवन दान दे सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या जो बातें कही हैं। आपको बता दूं अगर आप लोग भी ऐसा कोई पुण्य का काम करना चाहते हैं, और आपको पता है अगर आप लोग ब्लड डोनेट करें कितने लोगों की जानें बचती होगी सिर्फ आप लोगों की वजह से, तो आप लोग जो है इस तरफ जरूर आइएगा। उन्होंने कहा इसको ब्लड डोनेट नहीं करना, एक बार देखने जरूर आना कि आखिरकार ये ब्लड डोनेशन होता किस तरीके से, प्रोसेस क्या होती है और इसके देने के फायदे क्या होते हैं। चलिए खैर वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बने रहिए मेरे साथ।